सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। आप सभी क्षेत्रवासियों को MLB ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राणा प्रताप साइंस एकेडमी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं में देशभक्ति की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से जालौन तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अठरा कला गांव में विशाल दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में देश विदेश से पहुंचने वाले पहलवानों ने अपने दांव पेंच आजमाए। दंगल में महिला पहलवान परमजीत कौर और पूनम फोगाट भी पहुंची। दंगल में करीब 15 कुश्ती हुई, जिसमें राहुल थापा नेपाल ने ज्वाला पहलवान को पराजित किया। बाबा राजेंद्र दास ने गुलटा पहलवान राजस्थान को पराजित किया और बुंदेलखंड केसरी शैतान सिंह गुजर और शाकिर मुरादाबाद के बीच 51,000 रुपए की कुश्ती हुई, जिसका ग्रामीणों ने खूब लुफ्त उठाया। जालौन से अनिल प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारी क्षेत्रीय प्रतिभाएं हैं, इस दंगल से ये सदियों पुरानी परंपरा है और ये कुश्ती का आयोजन पूरे दुनिया में होता है और दुनिया में चूँकि जो यहाँ से लोग तैयारियाँ करते हैं दंगल कुश्तियों की और ये परंपराओं के तहत हमारे बुंदेलखंड में इसकी चलन है और ये नंबर एक पर इसको रखा गया है। शुरू से चूँकि यहाँ लोग खवाई पे घी दूध खाने के ज़्यादा सब मेहनत करने के, क्योंकि किसान से सब लोग आते हैं, किसान परिवार से होते हैं, घी दूध खाने में और मेहनत करने के आदि हुआ करते हैं, इसलिए इनका इन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कुश्ती लड़ना। और कुश्ती लड़ना मैं समझता हूँ बुंदेलखंड का ये महत्वपूर्ण उसमें है प्रायोरिटी पर, क्योंकि अन्य खेलों से ज़्यादा प्रतियोगिता कुश्ती पर लोग ध्यान देते हैं। मैं समझता हूँ इस कुश्ती में पहलवान राजस्थान से भी हैं, गुजरात से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, यूपी से भी हैं, महिला पहलवान भी है, बहुत विशाल दंगल है और ये हर वर्ष होता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ 50 गाँव के लोग हैं, कई हजारों की भीड़ है और ये एक यहाँ का जो दंगल है ये ऐतिहासिक दंगल हुआ करता है। मैं समझता हूँ कि और इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को बड़ा ऊर्जा मिलती है, नौजवानों को ऊर्जा मिलती है, जो कुश्ती के शौकीन हैं ये सालों मेहनत करते हैं अपने अपने अखाड़ों पर और जा कर के यहाँ। ये जो भी दंगल होते हैं हमारे बुंदेलखंड में ये स्वतः आयोजकों तरफ से होते हैं, क्योंकि ये तो शौकीन लोग हैं, कराने वाले लोग हैं और यहाँ लाखों रुपया खर्चा करके पहलवानों पे खर्चा करते हैं और उनकी आने जाने की व्यवस्था, खिलाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, घी की पूरी व्यवस्था करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बुंदेलखंड का एक ऐतिहासिक दंगल होता है यहाँ अठरा कला में और ये आयोजकगण भी बहुत मेहनत से लगन से काम कराते हैं। सर, ये हमारे चाचा जी थे, वो एक पहलवान थे, उन्हीं की यादगार में हम यहाँ प्रतिवर्ष इस दंगल का आयोजन कराते हैं कि उनकी हम श्रद्धांजलि स्वरूप उनको ये श्रद्धांजलि देते हैं। दंगल में पूरे देश के और विदेश से भी, नेपाल से भी, भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हर जगह से पहलवान बुलाते हैं और उन्हीं की यादगार में हम कार्यक्रम करते हैं। पहला पहलवान हरियाणा और दिल्ली से आते हैं।